तत्काल टिकट का दोस्तों पेमेंट करने का जो तरीका है यहाँ पर फास्ट बिल्कुल हो चुका है अभी के मामले में। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर तत्काल टिकट आज ही के दिन बुक किया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना फास्ट मैंने पेमेंट किया है। यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेस टू पेमेंट पे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कन्फर्म टिकट बुक किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर साइड में स्क्रीन चला दिया हूँ, बिल्कुल कन्फर्म टिकट है, ऐसा ना लगे आपकी कन्फर्म टिकट नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फास्ट में यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए और 100% यहाँ पर कन्फर्म टिकट होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि कन्फर्म आप नहीं बुकिंग करोगे। कैसे पेमेंट करना है इस वीडियो में वो जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, फास्ट में पेमेंट कैसे करना है। तो फटाक से शुरू करता हूँ इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करूँगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज से कुछ दिन पहले दोस्तों मैं वीडियो बनाया था पेमेंट करने के ऊपर कि कैसे आपको फास्ट में पेमेंट करना होता है, वो वीडियो के जगह पे अब ये वीडियो आप लोग को देखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो अपडेट है पेमेंट का वो कुछ अलग हो चुका है। चलिए इस वीडियो में आपको पेमेंट का प्रोसीजर यहाँ पर फास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको फास्ट में पेमेंट करना है, क्या चेंजेस आया वो भी आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो और एक बटन होता है जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल आइकन साइड में होता है, आप लोग ऑन इसलिए कर लेना क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता है या फिर जो भी पेमेंट से रिलेटेड होता है या फिर किसी टाइप का रेलवे का अपडेट होता है मैं सारी अपडेट इसमें डालता रहता हूँ, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, ऐसा नहीं आप लोगों को लगे फिर बोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो IRCTC के ऐप पर आ चुका हूँ और जो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा वैसे ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। लॉगिन कर लेता हूं फटाक से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, डायरेक्ट चलता हूं पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्योंकि आप लोगों को पेमेंट का ही यहां पर आप देखने आए हो कि फास्ट में कैसे पेमेंट करना है, ये नहीं देखने आए हो कि कैसे टिकट बुकिंग करना है। ऑलरेडी मैं बना चुका हूं टिकट कैसे बुकिंग करना होता है, यहां पर तत्काल टिकट कैसे फास्ट बुकिंग करना होता है उस पर वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लेना। यहां पर डायरेक्ट बढ़ता हूं पेमेंट में, यहां पर आ चुका हूं, सारे पैसे डिटेल वगैरह फिल करने के बाद यहां नीचे जब आते हो यहां पर तत्काल टिकट के बुकिंग के टाइम में यहां पर पेमेंट मोड में आने के बाद यहां पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट में यहां पर पे थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, अदर यहां पर आपको पे थ्रू भीम UPI का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर भीम UPI पे जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर दिखा देता हूं मैं फटाक से, यहां पर कैप्चा फिल कर लेता हूं, प्रोसेस टू पे वाले पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देख सकते हो IRCTC iPay के थ्रू भी अभी आप पेमेंट यहां पर कर सकते हो, उससे जो यहां पर ज्यादा फास्ट में यहां पर आप देख सकते हो यहां पर चौथे नंबर पे UPI वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू पे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। अब काफ़ी लोगों के पास अलग अलग होता है, जैसे किसी के पास गूगल पे होता है, किसी के पास फोन पे होता है और किसी के पास पेटीएम होता है। मैं यहाँ पर लाइव यहाँ पर तत्काल टिकट अपना बुकिंग किया था, खुद का अपना तत्काल टिकट बुकिंग कर किया है, तो मैंने उसका कुछ वीडियो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रखा हूँ, वो मैं आपको दिखाना यहाँ पर चाहूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए कि यहाँ पर क्या है प्रोसीजर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर जो मैंने लाइव अपना तत्काल टिकट बुकिंग करने का वीडियो यहाँ पर शूट किया था, कुछ क्लिप यहाँ पर मैं शूट किया हूँ, मैं आपको यहाँ पर प्ले करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने फ़ोनपे पर सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पर फ़ोनपे यूज़ करना था, यूज़ मैं सारी चीज़ें करता हूँ लेकिन फ़ोनपे मुझे थोड़ा ईजी लगता है सभी के मुकाबले। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसे यहाँ पर फ़ोनपे पर क्लिक किया हूँ और यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक किया, ये दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग करके यहाँ डायरेक्ट मुझे जो है पेमेंट फ़ोनपे पर लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ OTP डालना है या फिर नंबर फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब मैं यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, शायद हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कुछ स्क्रीन भी आपको ब्लैक देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पेमेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक सेकेंड, और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर जैसे आप करते हैं प्रोसेसिंग में जो यहाँ पर टाइम जो लगता है, ऐसा नहीं कि कुछ जो सेकंड लगे 10 या 15 सेकंड लगे तो ये सिर्फ आपके साथ होता है, सभी के साथ होता है। जिस भी अगर डिमांड वाला रूट में अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो
पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली डन कर दिया है। और यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर टिकट दोस्तों बुक हो चुका है, ऐसा नहीं कि आप लोग सोचना है कि ये चीज़ें हो रहा है कि अब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होता है। आप लोग वेट करना, यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेसिंग पेमेंट के ऊपर यहाँ पर जाएगा। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कन्फर्म टिकट। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कन्फर्म टिकट बुक किया है। अब काफ़ी लोग यहाँ पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बैक वापस मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक बार और बता दूँ, जैसे आप यहाँ पर गूगल पे या फ़ोनपे पे क्लिक करते हैं और पे वाले पे क्लिक करेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा। ठीक है, तो ये चीज़ देखने के बाद मैं आपको अब अपना टिकट दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि वाकई में तत्काल टिकट बुक होता है और करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं और हार्ड रूट का ही टिकट बुकिंग करते हैं। तो यहाँ पर साइड स्क्रीन में मैं टिकट लगा दिया हूँ, आप लोग देख लेना, आप लोग चाहो तो PNR भी चेक कर सकते हो जाकर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कुछ भी सवाल हो तो आप लोग सवाल कर सकते हो मेरे से। चलिए आज के लिए इतना ही।